तो भाई लोग आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी एरिना के शोरूम। तो भाई आज देखेंगे इसमें कौन कौन सी गाड़ियां आज रिव्यू के लिए हमको मिलती है। चलिए आइए चलते हैं इसके शोरूम के अंदर और देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियां आज रिव्यू के लिए मिलती हैं। चलिए आइए अंदर चलते हैं। वैसे यहाँ देख सकते हो यार कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पे स्विफ्ट है, डिजायर है, सब EXi वेरियंट है या फिर बेस मॉडल है। अंदर चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, उनका रिव्यू किया जाएगा। आप लोग बताइएगा कौन सी गाड़ी का रिव्यू सबसे पहले आप देखना चाहते हो। सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक ब्रेजा दिखी है VXi वेरिएंट, ये आपका CNG में है। इसका रिव्यू चाहते हो तो जरूर कमेंट करना भाई, ये CNG वेरिएंट है। सामने रेड कलर की भी आपको एक ब्रेजा दिख रही है, ये भी VXi वेरिएंट ही दिख रहा है मुझे, और ये नॉन CNG है, पेट्रोल वेरिएंट है। प्लस आपको एस्प्रेसो दिख रहा है VXi में यहाँ पे। और ये सामने दिखा स्विफ्ट ब्लैक कलर में, भाई गजब की लग रही है। चलिए आइए यार इसी का यार रिव्यू किया जाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बाद किसका रिव्यू आप देखना चाहते हो। भाई ब्लैक कलर पर तो टाटा महिंद्रा का ही जलवा था, लेकिन अब मारुति ने भी इस पर अपना दबदबा बना ही लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका SS ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi 2023, इसी का यार रिव्यू किया जाएगा। एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स, ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में भी बात किया जाएगा। भाई स्विफ्ट का जो सबसे बेहतरीन कलर था ना, वो मुझे लगता था रेड और ब्लैक का जो डुअल टोन आता था ना, वो इसका सबसे ज़्यादा शानदार कलर मुझे देखने को लगता था। लेकिन भाई इस ब्लैक कलर को देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया, भाई गाड़ी यार कोई भी कलर ब्लैक कलर में यार गजब की लगती है, गजब की धांसू लग रही है। देख रहे हो कितना शानदार लग रही है देखने में। ये ZXi वेरिएंट है, उसके बावजूद इसका कलर के हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर। देखो स्विफ्ट पहले भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती थी अंदर से भी बाहर से भी, लेकिन कलर ये जो ब्लैक कलर है इसको और भी ज़्यादा स्पोर्टी बना रहा है। काफ़ी हद तक ये गाड़ी आपको शानदार स्पोर्टनेस वाली फीलिंग दे रही है। अगर यह ZXi वेरिएंट की ऑन रोड प्राइसिंग की हम बात करें ना, तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड 9,62,000 रुपये में ऑन रोड आपको एयरबिट मोटर गोरखपुर UP पे देखने को मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में शोरूम के रिगार्डिंग सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। अब कहो यार ZXi प्लस इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, तो अगर बात कर ZXi प्लस इसकी अगर तुलना किया जाना है तो इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखने को नहीं मिलती है, बाकी सारी चीज़ें आपको ZXi प्लस वाली ही आपको देखने को मिल जाती हैं। मुझे यार सबसे पहली चीज़ लगी है वह है इसमें मिलने वाला प्रोजेक्टर सेटअप, जो इसमें आपको हाइलोजन मिलता है उसमें आपको प्रोजेक्टर मिलता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें आपको नॉर्मल अलॉय व्हील्स मिलते हैं, उसमें आपको डायमंड कट मिलते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है यार कैमरा, इसमें आपको रियर कैमरा देखने को नहीं मिलता है, उसमें आपको ZXi प्लस में मिलता है। चौथी चीज़ है यार क्रूज़ कंट्रोल, जो कि उसमें आपको मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलता। बस यही चार फीचर चेंज हैं। बाकी यार यहाँ पे विंडो वार्मिंग से सारे कंट्रोल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल विंडो मिलता है, वार्मिंग मिलता है, बाकी सारी चीज़ आपको सेम देखने को मिलती है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, बैठते हैं, उसके बाद में बताता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद यार दो तीन चीज़ें इस गाड़ी की बहुत अच्छी मुझे लगती है। पहली चीज़ है इस गाड़ी का इंटीरियर। अब इंटीरियर अगर इस गाड़ी का देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको ब्लैक और स्पोर्टी फील होगा। देखो गाड़ी बाहर से पूरी ब्लैक है और अंदर बैठोगे पूरा केबिन आपको ब्लैक मिलेगा सिवाय रूफ के, लेकिन केबिन स्पेस अच्छा लगता है यार इस गाड़ी का। और यार इंटीरियर ऑल ब्लैक मिलता है, जो आपको काफ़ी हद तक स्पोर्टीनेस वाली फीलिंग देता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शानदार आपको लग रहा है। बाकी यार यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पे आप CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG, ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ ही में हेडलैम्प लेवलर वगैरह मिलते हैं इसमें। स्टेयरिंग व्हील पे आपको इसी वेरिएंट पे लैडर ट्रीटमेंट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, जैसे कि वॉल्यूम वगैरह का, यहाँ पे आपको कॉल वगैरह का मिल जाता है, जो कि यार एकदम सही है VXi में जो आता था। जबकि आपको ZXi में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह भी देखने को मिल जाता है, इसमें आपको नहीं मिलता है, तो वो चीज़ अलग है। बाकी अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात की जाए तो इसको ऑन कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो एनालॉग मीटर दिया ना, ये दोनों इतना यार गजब का स्पोर्टीनेस फील कराता है। डिजिटल में वो वाली फीलिंग नहीं आती जो फीलिंग आप इसको धीरे हो जा डिजिटल में वो वाली फीलिंग नहीं आती यार, जो फीलिंग यार एनालॉग में आती है। देख लो इसका यार जो ये गोल गोल ये जो दिया हुआ है, काफ़ी यार स्पोर्टी वाली फीलिंग देता है। बाकी इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है। बीच में यहाँ पे आपको MID मिल जाती है, यहाँ ऊपर देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है हर एक चीज़ का। यहाँ पे आपको पेट्रोल का, यहाँ पे आपको CNG दोनों का आपको यहाँ पे फ्यूल मीटर मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। MID यार बहुत अच्छी है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई कमी नहीं है। बाकी यार AC वेंट्स भी काफ़ी सही है यार, कोई दिक्कत आपको नहीं है। देख लो AC वेंट्स वही वाले हैं, गोल गोल वाले। वहाँ बीच में आपको यहाँ पे हजार लैम्प का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह जो भी है वो सपोर्ट करता है। सभी चीज़ें देखो स्मूथ है यार, ये एक चीज़ तो है इसमें,
कोई भी आपको लैग वगैरह फीलिंग नहीं आ रही है, देख रहे हो स्मूथ है, मतलब सही है यार, पैसा जितने लगा रहे हो वो चीज़ें मिल रही हैं। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको USB और ऑक्स केबल मिल जाता है। फिलहाल जगह वगैरह मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए, गियर लीवर्स मिल जाता है, तो बाकी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, कोई इससे इंफोटेनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट में देखने को मिल ही जाता है, सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, गियर लीवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में आपको यहाँ पे एक हैंड ब्रेक मिल जाता है। बाकी अगर सीट क्वालिटी की बात करें तो ठीक है यार, क्वालिटी में कोई कमी आपको नहीं मिलती है, वही फैब्रिक में सीट मिलती है, देख सकते हो फैब्रिक में ही मिलती है। बाकी ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक साइज़ का आपको मिल जाता है, डैशबोर्ड की क्वालिटी भी सही है यार, प्राइस के हिसाब से ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कोई वारंटी मिरर देखने को नहीं मिलता है, इस साइड भी इस साइड मिल जाता है आपको देखने के लिए, ऑटो डिम नहीं है, मैनुअली है यहाँ पे, यहाँ पे रीडिंग लैंप भी देखने को मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पोर्टी फील होती है कि कम बजट में यार, 8-8.5 लाख के बजट में अगर आपको इतना बेटर इंटीरियर और भी चीज़ें मिल रही हैं यार, इंजन का परफॉर्मेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिलता है। चलिए आइए पीछे चलते हैं, देखते हैं पीछे का स्पेस वगैरह ये कैसी देती है, चलिए आइए चलते हैं। गाड़ी के बाहर उतरते ही एक चीज़ अच्छा लगता है, बैठने उठने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा मिलता है, क्वालिटी भी आपको यहाँ स्पीकर ट्विटर मिल जाता है और क्वालिटी भी ठीक मिलती है, क्रोम मिलता है, यहाँ पे विंडो वायरमेंट्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वर्टिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको वायरमेंट्स मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है जो कि अच्छा लगता है देखने में, मतलब टच करने में अच्छा लगता है। विंडो यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXI 2023 का, काफ़ी शानदार इंटीरियर है। नीचे आओगे तो यहाँ देखोगे हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, पैडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकी सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं जो आपको ZXI में देखने को मिलते हैं। साइड प्रोफाइल से अगर देखोगे तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है साइड से, और ये कलर तो बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है, एकदम ढांसू कलर लग रहा है, मतलब यह काफ़ी शानदार कलर आपको देखने को मिल रहा है। रियर का डोर की बात करें तो देख सकते हो ऊपर से खुलता है और मतलब ठीक ठाक साइज़ खुल जाता है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली है। UV प्रोटेक्टेड ग्लास इसमें भी यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो तो क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं मिलता है क्योंकि आगे ही आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे एक वाटर होल्डर स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है भाई, फैब्रिक में सीट मिलती है देख सकते हो। आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं कितना स्पेस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। अगर इस गाड़ी की स्पेस की अगर हम बात करें ना, तो यार देखो पूरी पीछे करने के बाद मेरा पूरा पैर चला जा रहा है, इतना सा जगह भी मिल जा रहा है, थाई सपोर्ट भी सही है, फैब्रिक में आपको सीट मिल जाती है, मतलब कोई कमी नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट की कमी आपको थोड़ी सी खलेगी इस गाड़ी में क्योंकि आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिलता है, कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXI 2023 काफ़ी शानदार और स्पोर्टी इंटीरियर है। बाकी सेंट्रल कंसोल में आपको एक वाटर होल्डर्स मिलता है, कोई रियर एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलता है। बाकी गाड़ी में बैठने में अच्छा है, केबिन भी बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं फील होता है कि कहीं से भी क्लास्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग नहीं आती है क्योंकि ऊपर आपको रूफ वाइट में मिलती है तो अच्छा लगता है, सही लगता है, लाइट वाइट आती है तो काफ़ी ज़्यादा उजाला वाली फीलिंग आती है। ग्लास एरिया भी इसका आगे का बहुत बड़ा है, पीछे का भी ठीक ठाक साइज़ का है, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी सारी चीज़ें स्पेस वगैरह में कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। अब आइए चलते हैं पीछे और इसका सिलेंडर मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा सिलेंडर इसमें मिलता है। बाकी यार इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है यार, बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस सेगमेंट में जितनी गाड़ी आती है उनसे अच्छा ये कम्फर्ट आपको ऑफर करती है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से गाड़ी और भी ज़्यादा शानदार लगती है, आपको सी शेप में आपको LED टेल लैंप मिल जाते हैं जो काफ़ी शानदार है। नीचे आओगे तो यहाँ पे बम्पर बॉडी कलर में मिलता है, पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं टोटल 4, जो कि यार अच्छी बात है, कोई रियर कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी सी शेप में LED टेल लैंप मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिकेटर और रियर फॉग लैंप वगैरह भी देखने को मिलता है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग आपको मिल जाती है, रियर वाइपर, डी फॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और नॉर्मल वाला एंटीना आपको देखने को मिल जाता है, CNG की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। बाकी यार गाड़ी देखने में काफ़ी शानदार है, पीछे से देखो काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में, काफ़ी बेहतरीन आपको लगती है। अब आइए इसके बूट के अंदर देखते हैं कितने बड़ा टैंक CNG का आपको देखने को इसमें मिल जाता है। बाकी ऊपर से देख सकते हो यार अच्छे से कवरअप किया गया है मारुति द्वारा काफ़ी अच्छे से, यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट में ही,
बाकी यहाँ पे 11 केजी का आपको 10-11 केजी का मतलब अप्रॉक्स टैंक मिलता है जिसमें आप सीएनजी डला सकते हो, जो कि यार अच्छे से दिया गया है। एक चीज़ है, सीएनजी और पेट्रोल का नॉब जो है वो अलग अलग दिया गया है। बूट वगैरह आपको उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, स्पेयर व्हील भी इसी में ही आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है यार। और नॉब की बात करें तो सीएनजी का नॉब आपको इस साइड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे खुल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीएनजी का नॉब मिल जाता है, यहाँ से आप भरा सकते हो सीएनजी, तो सीएनजी में भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। और यहाँ पे आपको टोटल 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। डायमेंशनली अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ मिल जाती है 3845 mm की, वेथ मिलती है 1735 mm की, हाइट मिलती है 1530 mm की। व्हील बेस की बात करें तो 2450 mm की इसमें व्हील बेस भी देखने को मिल जाती है, जो कि सही है। यहाँ पे आपको व्हील आज काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, सस्पेंशन भी काफ़ी तगड़े वाले आपको मिल जाते हैं। वहीं पे अगर टायर साइज की अगर बात करें तो 185, 65 और 15 inch के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। डायमंड कट नहीं मिलते, नॉर्मल अलॉय मिलते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छे लगते हैं देखने में। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आओगे तो यहाँ देख सकते हो यार, गाड़ी यार देखने में बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी देखने में लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती, काफ़ी स्पोर्टी लगती है। बाहर से जितनी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है ना, चौड़ी लगती है, मतलब कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से इस गाड़ी की जो स्पोर्टीनेस है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। अगर टॉप मॉडल लेते हो तो और भी ज़्यादा स्पोर्टी ये फील कराती है आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है इस वेरिएंट में, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है, ये फॉग लैम्प भी आपको देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट में। नीचे यार लोअर ग्रिल काफ़ी अच्छी मिलती है, अपर ग्रिल भी काफ़ी शानदार लगती है, बीच में क्रोम मिलता है आपको देखने में, और उसके बीच में सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। तो हर हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है। अगर इंजन ऑप्शन की अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी में आपको वही 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन मिलता है, जो आपको 88 PS की पावर देता है 113 Nm टॉर्क के साथ। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये गाड़ी देती है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि इसमें आपको कंफर्ट मिल जाता है, स्पेस भी मिल जाता है, परफॉर्मेंस मिल जाता है, और सीएनजी लेते हो तो दबा के माइलेज भी आपको ये गाड़ी दे देती है। तो ये गाड़ी एक तरह से ऑलराउंडर प्रोडक्ट है हर मामले में देखा जाए। सेफ्टी फीचर्स में अगर बात करें तो इसमें ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स मुझे लगता है, जिसके लिए हर गाड़ी में ये फीचर्स होना ही होना चाहिए। तो फिलहाल मारुति गाड़ी में ये फीचर्स देता है, जो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ वाली बात है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह जो ये सारी चीज़ें, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें तो आपको इसमें देखने को मिली जाती है। तो दोस्तों ये रहा मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi 2023 का रिव्यू, यानी टॉप मॉडल का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।